तीन कारण क्यों T20 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा को होना चाहिए टीम का कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वह कौन से तीन कारण हैं जिनकी वजह से T20 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा को होना चाहिए टीम का कप्तान। तो दोस्तों इस सब बारे में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे, तो आप सब वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं रोहित शर्मा को T20 विश्व कप से पहले T20 टीम की कप्तानी मिले, तो इस वीडियो को रोहित शर्मा के लिए दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे में चलिए दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बात कर लेते हैं इस पूरी खबर की। भारतीय टीम ने 2013 के बाद से कई ICC टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, जहां पर उन्होंने लीग स्टेज में तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन नॉकआउट स्टेज में जाकर टीम को हार ही नसीब होती है, जिससे अब BCCI आगे बढ़ना चाहती है। बतौर खिलाड़ी विराट कोहली ने भारतीय टीम को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कप्तान के रूप में उन्होंने अब तक एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया है, जिसके कारण अब T20 विश्व कप में उनकी जगह रोहित शर्मा को कप्तानी दिए जाने की मांग भी चल रही है। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको वो तीन कारण बताएंगे जिनके कारण विराट कोहली की जगह T20 फॉर्मेट में अब T20 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं उन तीन बड़े कारणों को। दोस्तों पहला जो कारण है वह है सफल कप्तान रहे हैं अब तक रोहित शर्मा। जी हाँ, बतौर कप्तान रोहित शर्मा की सफलता का ग्राफ देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है। IPL में वो पहली बार 2013 में कप्तान बनाए गए थे, जिसके बाद से अब तक उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को 4 बार IPL का खिताब दिलाया है, जबकि 1 बार उन्होंने चैंपियन लीग भी जीता है। मुंबई इंडियंस के लिए ही नहीं भारतीय टीम के लिए भी रोहित सफल कप्तान रहे हैं। भारतीय टीम को उन्होंने एशिया कप और निहदास ट्रॉफी जीत दिलाई है। हालांकि उन्हें कप्तानी उसी समय मिलती है जब विराट कोहली आराम लेने का फैसला लेते हैं। इतने कम मौके मिलने के बाद भी जब रोहित शर्मा ने सफलता हासिल किया, तो फिर यदि उन्हें T20 विश्व कप से पहले छोटे फॉर्मेट में नियमित रूप से कप्तान बनाया गया, तो वो भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप को जिता भी सकते हैं। वहीं दोस्तों कारण नंबर दो की बात करें तो विराट कोहली की असफलता बड़ी वजह। एक तरफ जहां पर रोहित शर्मा बतौर कप्तान सफलता हासिल कर रहे हैं, वहीं पर विराट कोहली असफलता का स्वाद भी चख रहे हैं, जो टीम के लिए और दुख विराट के लिए मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। IPL में वो मात्र 1 बार अपनी टीम को फाइनल पहुंचा सके। विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए कप्तान के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप 2019 खेला है, लेकिन मजबूत टीम होने के बाद भी वो खिताब अपने नाम नहीं कर पाए, जो टीम के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है। कोहली को हटाकर इसलिए भी रोहित शर्मा को कप्तानी का मौका मिल सकता है, जिससे विराट कोहली बल्ले के साथ और ज़्यादा खुलकर खेलते नज़र आ सकें, जिससे टीम को भी बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। वहीं दोस्तों कारण नंबर तीन की बात करें तो टीम मैनेजमेंट के सोच में होगा बदलाव। जी हाँ, कोई कप्तान या कोई कोच जब बदलता है तो टीम मैनेजमेंट में भी अपने आप ही बदलाव आ जाता है। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा के आने से भी ऐसा ही बदलाव भारतीय टीम में भी नज़र आएगा, जो टीम के नज़रिए को भी बदल सकता है। बड़े मैचों में बिना दबाव के कप्तानी करने का अनुभव रोहित शर्मा में नज़र आता है, जो नॉकआउट स्टेज में भारतीय टीम के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। उससे खिताब के और ज़्यादा करीब जाने में भी मदद मिलेगी। कोहली पर यह दबाव बहुत हावी हो रहा था। रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी और कप्तान T20 फॉर्मेट में तो आगे नज़र आते हैं, अब भविष्य में वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे टीम को वो पावर प्ले के दौरान सदी हुई शुरुआत करने में भी फायदा हो सकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहिए। आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।